अरे अरे अरे, जाना भी नहीं है, जाने देना भी नहीं है। मैं मॉल के अंदर मालूम है क्यों आता हूँ? उतने चल चलो घर पे मम्मी का रिएक्शन देखते एंड घर की हालत भी। ओके शॉपिंग जो बहुत मैंने हार्ड किया है तो वो बहुत खराब वाट लगने वाली है। चलो लेट्स गो। So I got a dream that I'm gonna be... आप सभी को मैं नमस्कार, मैं हूँ सुमित रस्तोगी, आ चुका हूँ अपने इस प्यारे से दिन को लेकर। तो आज मेन बात ये है कि भाई का बर्थडे है, अब मैंने मॉर्निंग में 12 बजे रात को ही विश कर दिया है और अभी भी फिर से कर दिया है। एंड दूसरी बात ये है कि आज हमारा सैलरी आ चुका है जो कि बहुत दिनों बाद आई है, और अभी जहाँ खड़ा हूँ वो है ब्रिज, और यहाँ पे आप समझ सकते हो ना क्या प्रॉब्लम है। ओके तो अभी हम जाते हैं घर पे, जॉब से छूट गया हूँ, अभी जाते हैं घर पे एंड वहाँ पे जाकर रेडी होते हैं और निकलते हैं शॉपिंग करने। ओके और हो सकता है तो कहीं घूमने भी जाएंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता। सो लेट्स गो। आज गाड़ी से आया जानबूझकर। यस ओके तो चलो चलते हैं अभी हम डायरेक्टली घर पे। सो आई गॉट अ ड्रीम दैट आई एम गोना बी एट द टॉप ऑफ द सीन, आई नेवर रिस्ट्रेन मेकिंग माय प्रेजेंस समथिंग टू बी सीन, या आई मेक देम ऑल सी दैट आई कुड बी एनीथिंग आई वांट टू बी। If you got a dream, then you need persistence and lots of belief. ठीक है, स्टैंड मार ले स्टैंड। देरी बेरी हो ना तो बोलना है ना मुझे। देरी? देरी देरी। अच्छा देरी देरी। ओके ओके। है ना? हाँ मिलते हैं। ओके। जय महादेव। हाँ। है ना? ओके बाय। हाँ। बहुत दिनों बाद मेरा चेहरा अलग लग रहा होगा आपको, बिकॉज दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बढ़ गई है एंड बाल जो है उसको भी थोड़ा केयर करना भूल चुका हूँ मैं, बिकॉज काम में इतना ज़्यादा ध्यान देने लग चुका हूँ, इतना ध्यान कि अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। देख रहे हो फेस पे पिंपल भी निकल आ चुके हैं मेरे फिर से। सो पगार तो आई थिंक घर के अंदर गए ना, उन लोग इधर गए ना, हाँ इधर ही गए हैं। मतलब पगार का आने का टाइम था 10 के अंदर, बट इस बार है ना बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, बहुत मतलब बहुत। कम से कम आज 13 तारीख हो चुका है, 13 तारीख को पगार आया है, सैलरी जो मेरा है ना वो 13 तारीख को आया, इतना लेट। तो मेरे को लगा ही नहीं था कि आज भी आ, तारीख से 9-10 5 दिन हो गया है, 5 दिन से यही कह रहे भाई आज भाई कल, भाई आज भाई कल। यार पगार है यार, दे दो ना यार सैलरी, इतना काम करते हैं। तो हम लोग स्कैनिंग का काम है मेरा, तो वहाँ पे मैं स्कैनिंग करता हूँ, एक दिन चोरी छुपके से वीडियो निकाल लूँगा मैं, आप लोग को दिखाऊँगा। ठीक है आई थिंक मैं शॉर्ट में रखूँगा, शॉर्ट वीडियो जो होता है ना वो। सो पगार आ चुका है तो आज हम चलेंगे शॉपिंग करने। सो मैं और कपिल हम दोनों जन साथ में चलेंगे, आज हम मॉल में जाएंगे, दुकान में जाएंगे और तीसरी बार भी दुकान में जाएंगे, मतलब 3-4 जगह हम शॉपिंग करने आज जाएंगे, वो भी इतने दिनों बाद। आई थिंक कम से कम हो गया होगा, मैंने तो ब्लॉगिंग तो कभी बनाया ही नहीं कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग समझो विथ शॉपिंग। ठीक है फर्स्ट ब्लॉग शॉपिंग, अभी हम सोचना यूट्यूब की सैलरी आ चुकी, सॉरी यूट्यूब की सैलरी अभी नहीं आई एंड पता नहीं कब तक आएगा, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कब तक आएगा। 100 वीडियो में तो यार लोगों को तो कम से कम आराम से 1,00,000 सब्सक्राइबर 1,00,000 फैमिली पहुंच जा रही है, पर मेरे वीडियो में क्या कमी लग रही है मुझे भी नहीं पता है। सो अगर जी आपको कुछ पता हो तो आप बताओ यार कि क्या प्रॉब्लम है, हैं तो वो चीज़ मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। और अभी हम जाते हैं, खाना पीना खाते, फेस वॉश करते एंड बाहर निकलते शॉपिंग करने। आज हम चलेंगे शॉपिंग करने डूड, अभी हम जा रहे हैं जस्ट शॉपिंग करने। पिंपल्स आ गया चेहरे पे, और ये अभी फेस वॉश किया ना तो फूट गया, अभी फूटा होगा, पता नहीं यार ये कैसे आ रहा है चेहरे पे, इसका तो हम बाद में इलाज कराएंगे, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है। हाँ आज फेस वॉश भी लेना है मुझे, आज फेस वॉश लूँगा एंड चलते हैं जस्ट शॉपिंग करने। कपिल गार्डन गेट पे आ चुका होगा या फिर आ रहा होगा, बिकॉज आ जाने वाला है, कभी भी आ सकता है। ओके कभी भी। सो वही चलो, अंधेरा हो चुका है जो कि बैकग्राउंड से आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा इधर से लाइटिंग आ रही है धूप जो भी है, मैं आपको चलो दिखाता हूँ एंड इधर से आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। ओके पूरा पर्पल पर्पल। सो वही चलो, हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, कपिल की गाड़ी से आ रहे हैं, तो आज शॉपिंग बहुत जोरदार होने वाला है, देखते हैं आज क्या क्या शॉपिंग करना है। ओके गार्डन की बात करें तो गार्डन में भी एकदम लाइटिंग वाइटिंग चालू हो चुकी है, देख सकते हो ये रहा, यहाँ पर लाइटिंग चालू है एंड पूरे गार्डन में लाइटिंग चालू है। सो ओके चलो, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, एक्चुअली 7:30-8 बजने जा रहा है और इस टाइम पे जा रहे हैं हम शॉपिंग करने। आ चुका है कप,
अरे यार, अरे आज तो बहुत येलो येलो चमक रहा है। चलेंगे, चल दूर चलते शिपिंग करने। सोडा चाहिए, सोडा। ये बस वाले का बहुत प्रॉब्लम है, अचानक से ब्रेक मारते हैं। देख रहे हो कितना खराब बस की हालत है। सीधा ही सीधा, एकदम सीधा। भाई स्कूटी है, बाइक नहीं है। हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे अरे अरे, जाना भी नहीं है, जाने देना भी नहीं है। आ गए, जान दे जान दे, अंदर ही जाने दे। डीमार्ट की पार्किंग में। ओ ये आगे देख ले, इधर इधर। चलो डीमार्ट आगे डूड, अभी अंदर का नजारा देखते हैं। अंदर का नजारा बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई अंदर। आई मीन ये क्या कर रहा है, गलत काम हो रहा है। लिखा हुआ है क्लीन अपीट, और यहाँ पे लिखा डू नॉट स्पीड, यहाँ पे थूकना मना। आता रहे मॉल के अंदर, मालूम है क्यों आता हूँ? मुतने, चल मुतने जाने का पहले मेरे को। क्या मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? मैं ऐसा बोल नहीं, बास्केट क्या, दो ही चीज लेने का है, तौली लेने का है, और अच्छा लगा कुछ तो वो भी ले लेंगे। ये मॉल में तो बहुत ज्यादा भीड़ है डूड, अपने को अभी ऊपर जाने का है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। टिंक चिक्का 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 टिंक चिक्का, फर्स्ट फ्लोर पे चलो चलो। टिंक चिक्का टिक्का टिक्का, पहले इसे पूछते वॉशरूम कहाँ है। तेरे पास कोई और रास्ता है? जाते आता हूँ। कप्पू किधर गया, कप्पू किधर गया, ओए कप्पू किधर गया। बहुत सही है। हाँ ये सही है, थोड़ा दादी माँ के जमाने का कलर सही है। हाँ तो इसको हटाओ फिर, और एक बड़े में लेने का है। नहीं बड़े में लेने का, ये तो छोटा है डूड। इससे इससे बड़ा कौन सा आएगा वे, पूरी बॉडी पोछने का। ये कितना है देख, खोल कर दिखा। तो ये बस बॉडी पोछने के लिए सही है, एक नंबर है, परफेक्ट है। ये मुंह पोछने के लिए भाई है। चलो और दूसरा बड़े में, बड़े में भाई को पूछ लेना, बाकी ऊपर वाला कोई उठा ले। अच्छा हो तेरी गाड़ी में क्यों। हाँ सही बोल रहा, इधर ही हो जाए। ये कलर अच्छा लग रहा है, पक्का पक्का। तो चलो ये उठा लो। टन 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 टन। तो डीमार्ट पे हमने शॉपिंग कर लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। एंड चलो चल। अतरंगे सतरंगे गुस्से है मेरी। क्या पार्किंग बहुत हैवी करता लग रहा है बे। कार ढीला लग रहा है, वो बेल्ट बनेगा बराबर हो जाएगा। ये नीचे से भले तो बोल सकते ढीला है, ये तो टुकटुक वाला पट्टा है ना। टुकड़ा भी दिखा दे, टुकड़ा टुकड़ा भी दिखा दे। क्या इसका क्या बोल रहे हो? मेरे को अच्छा लगा। 450 इसका बोल दे। ये तो ऊपर ट्राई करेंगे ना, अभी आया जाना जल्दी जा। इस लग रहा है ना दूर से देखने में, ये साइज परफेक्ट है, साइज परफेक्ट लग रहा है। ये आधा फैशन तो इधर ही हो जाएगा। ये लेने का ले लेता है पक्का, पूरा कंफर्टेबल टाइट पड़े जिससे हम एक और शॉप पे आए हुए फॉर यू। क्या हुआ बंद है क्या? कौन सा नंबर है? शॉप नंबर 150 इधर है, इधर है। शर्ट भी कंप्लीट फॉर यू पैसे यहाँ से फाया ही नहीं। फॉर्मल शूज लेना चाहिए एक तरह से।
इसमें से कोई एक ले लेते वो भी सही रहेगा, फॉर्मल शूज है ना। कैसा रहेगा ब्लैक? सही है, जो मैंने कलर लिया उस पर तो सब सूट कर जाएगा, ये सेम टू सेम है ना। हाँ ये अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये वो लेडीज जैसा लग रहा है, ये है ना मोबाइल ये कवर जैसा क्यों लग रहा है? कंतु ने अभी लगाया नहीं है। आप कुछ ले आया ना? हाँ बस ही आ जाएगा, जूते दिख रहे ना तेरे को भाई, ये मेन सिला हुआ है बाकी सब चिपकाया हुआ है। उल्टा तो नहीं ना पहन रहा? 10 नंबर मांगा लेना सीधा, ये भी सही है, वो तो बिना मुझे के पहनता आई थिंक। नहीं ये तो अपने से पॉसिबल ही चले गई है, मैं तो बिना मुझे के पहनता हूँ, ये एक नंबर है, अच्छा लगता है मेरे को यार, अपार अप साउंड आ रहा है। चल भाई ये एक निकाल ले, एक ही निकालना है, एक मत देना। अरे एक और आप फॉर्मल में से कुछ देखने का है ना, ना एक ही जूता निकालना, एक फॉर्मल एक सेट, एक सेट वो कैजुअल। वाह बेटे मजा नहीं है। अरे वीडियो चालू ही नहीं थी क्या हुआ? तो सिला हुआ है, सिलाई वाले फॉर्मल में मिलेंगे क्या? ये थोड़ा पैटर्न में ये थोड़ा अलग ही लग रहा है, इसको रख देता। इसमें ये यही है मतलब? सिलाई 10 नहीं है क्या? बैठ जाओ, हाँ बैठ जाना, अपना ही दुकान है अपना तो। अरे यहाँ से ही महेश यहाँ से 2 लेकर गया, तो ये हम ये मेरा पूरा और ये कपिल का पूरा, हम दोनों की सैलरी आज उड़ गया पूरा। मेरा तो पहले उड़ गया भाई, दिल से दुख हो रहा है भाई, बहुत खराब हो रहा है, पर जूते कपड़े हो। ये था हमारा कुछ शॉपिंग, जो कि कितने का था पूरा? 3,500, 4,000, 5,000 समझ के चलो, और कपिल का तो भाई पूरा मिलाकर 12,000 का शॉपिंग हुआ है, ये इसको छोड़कर, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बोल रहा है कि मेन तो मैंने घर पे रखा है पूरे 12,000, मेन माल घर पे है, मेन माल घर पे है, कैजुअल रोज का पहनने के लिए, और हमने आज इतना 12,000 का ये और 4,500 का मैं, यार जिंदगी पैसा आया आज और पूरा का पूरा उड़ गया। आया तो कितनी खुशी हो रही थी, आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि हाँ अब चलो, अब चलो शॉपिंग करते, एंड ये रहा शॉपिंग का नतीजा, जूते होते 4 जोड़ी कपड़े और कपिल का भी और मेरा भी। और भाई मेरा तो कम है, क्या कम है, 12,000 की खाली शॉपिंग की है और मैंने 4,000 का, अभी का कम है ना, पर घर पे जो रखा है वो खरीद, और भी बाकी है, घड़ी लेनी है, फोन का टेम्पर लगाना है, फिर अपने बहुत कुछ लेना है, मेरा भी खुद बाकी है, घड़ी नहीं लेने का, फोन में मगजमारी बहुत है, तो उन सबको ठीक कराने का है, तो वही मतलब लग गए सीधे भाषा में, लग गए भाई। हाँ सो मिलते हैं, लग गए हमारे, सो वही अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड आई होप कि चलो अभी आपको कपड़े वपड़े दिखाता हूँ, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय बाय। आज का हमारा शॉपिंग कैसा, कांड फट गया हमारी, 10,000 वो 4,500 में, क्या बात है, पूरी शॉपिंग आज कपड़े वपड़े दिवाली का सब शॉपिंग हो गया, लेट्स गो, कल के ब्लॉग में मजा आने वाला है। पर मैं तो लाइट ही नहीं रहता है, ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। मामे खोलो ना, सब सो गए, जब मुझे लेके आया नहीं।